मिथिला के पावन धरती जयनगर में माधव आनंद का आगमन हुआ है। जयनगर गौशल्ला स्थित अधिवक्ता मुन्ना सिंह के आवास पर माधव आनंद जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के महासचिव, उन्होंने जयनगर में अधिवक्ता मुन्ना सिंह के आवास पर एक औचक निरीक्षण किया, कार्यक्रम रखा। उन्होंने जयनगर शहर के बुद्धिमान एवं राजनीतिक सभी व्यक्ति से मिले, राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता से मिले। उन्होंने शहर के अनेकों प्रकार के समस्या, जिला के समस्या और राजनीतिक समीकरण के बारे में परिचर्चा किए। आप हमारे स्टार मिथिला 99 के माध्यम से देख रहे हैं कि ये माधव आनंद है जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने अधिवक्ता मुन्ना सिंह के आवास पर आए और शहर के बुद्धिमान व्यक्ति, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों से मिले, अनेकों प्रकार के परिचर्चा उन्होंने किया और राजनीतिक समीकरण पर परिचर्चा किया। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला 99, धन्यवाद। का परिचय मैं करवा दूँ कि माधव आनंद जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी से उपेंद्र कुशवाहा जी की परसों के रोज मुलाकात हुई है। उसमें संजय जायसवाल जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और माधव आनंद जी, तीन लोग वहाँ थे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के माधव आनंद जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप हमारे स्टार मिथिला 99 के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, धन्यवाद। बहुत परिचित, बहुत घनिष्ठ से नहीं हो पाए थे कि हम लोग भी जमना है, लेकिन अब समय हम लोगों के अनुकूल हो गया है। अब हम लोग सब लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग इनके साथ मिलकर। और निधि को ऊपर हम लोग भेजेंगे, ये विश्वास मुझे है और मैं समझता हूँ कि यहाँ उपस्थित सब लोगों को ये विश्वास है और हम सब लोग साथ। सबसे पहले एक मिथिलांचल की जो परंपरा है, अब गणेश जायसवाल जी से आग्रह है, विजय जी से आग्रह है, लोगों से जो है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से सब लोग आए हुए हैं और छोटे से जगह पे हम सब लोग मिलने का मौका। सबको पता है कि हम लोगों ने 2020-21 में पहले जो हमारी पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उस समय जो पार्टी का प्रधान महासचिव था उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन विधानसभा के रिजल्ट के बाद जो परिस्थितियाँ बनी, परिस्थितियाँ सबको पता है क्या रिजल्ट आया। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी काफ़ी कमजोर हो गए, सबको पता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, ये बहुत व्यक्तिगत संबंध है। और जब जब मुझे आवश्यकता पड़ी, राजनीति एक अलग चीज़ है, जब जब मुझे आवश्यकता पड़ी, जब भी मुझे फोन पर वार्ता करने की आवश्यकता पड़ी, तब तक आदरणीय मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे स्नेह और प्यार, उस चीज़ को राजनीति में नहीं भूलना चाहिए। राजनीति में शिष्टाचार जो है वो हमेशा बरकरार रखना चाहिए। चाहे विचारधारा की लड़ाई एक अलग चीज़ है, शिष्टाचार जो है हमेशा। जब विधानसभा का रिजल्ट आया, हम सब लोगों ने देखा
और हम लोग को एहसास हुआ कि वक्त आ गया है, समय की मांग है, विचारधारा तो एक ही है लगभग। और पहले भी जो हम लोग अलग हुए थे, जनता दल यूनाइटेड से ही अलग होकर हम लोगों ने अपनी पार्टी का निर्माण किया था, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को महसूस किए कि अगर सब लोग एक साथ हो जाए तो जितने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और जो हम लोगों की जो है सोच है वो सोच और भी मजबूत हो। पहल निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी तरफ से हुआ था, कुछ पहल जो है व्यक्तिगत रूप से विधानसभा चुनाव से पहले मेरे तरफ से भी हुआ था, जहाँ गठबंधन की भी बात थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का था कि विलय कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम सब लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। इसी कारणवश विधानसभा में गठबंधन तो नहीं हो पाया और हम लोग फट फ्रंट बना के चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद परिस्थितियाँ ऐसी बनी जहाँ हम सब लोगों को एहसास हुआ, महसूस हुआ कि हम लोग सब एक साथ हो जाए और हम लोगों ने अपनी पार्टी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थिति में हम लोगों ने अपनी पार्टी का मर्जर किया। और मर्जर के बाद जिस आशा और विश्वास के साथ जनता दल यूनाइटेड में हम लोग गए थे, कहीं ना कहीं वो आशा निराशा में तब्दील हुई। आशा ये थी कि हम लोग के जितने कार्यकर्ता का मान सम्मान, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ काम अपने पहले कार्यकाल में किया है, दूसरे कार्यकाल में भी कुछ अच्छे काम हुए, उस कार्यकाल को और आगे बढ़ाया जाए, उस योजनाओं को और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब एक साल डेढ़ साल हुए तो हम लोग को महसूस हुआ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब उस राह पर नहीं चलने वाले जिस राह पर वो पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में चला करते थे। कहीं ना कहीं जो उनकी सराउंडिंग्स है, जो आसपास के जो इर्द गिर्द लोग हैं, उसको हम लोग अपने शब्दों में किचन कैबिनेट में करता हूँ, कहीं ना कहीं उनको जो है दिग्भ्रमित करने का काम जो है किया। और कुछ एज का भी, उम्र का भी तकाजा होता है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी अब उम्र हुआ और उम्र के कारण भी बहुत सारी परेशानियाँ जो है उनको हो रही है, ये सबको पता है। आए दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या बोल देते हैं उनको पता नहीं होता है, जिन शब्दों का जिक्र नहीं करना चाहिए, कई बार विधानसभा में कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अल्जाइमर से भी परेशान है, याददाश्त शक्ति भी उस रूप में नहीं है, बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को, लेकिन स्वाभाविक है उम्र का तकाजा है, उम्र में इस उम्र में हम सबको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस